बहुत समय पहले की बात है, एक बार भगवान बुद्ध एक गांव से होकर गुजर रहे थे। तभी एक राहगीर आया और उनसे पूछा, हे बुद्ध, इस गांव में किस तरह के लोग रहते हैं? दरअसल मैं अपने मौजूदा निवास स्थान से कहीं और जाना चाहता हूँ। बुद्ध ने कहा, जहाँ तुम अभी रहते हो वहाँ किस प्रकार के लोग रहते हैं? हे बुद्ध, ये तो आप पूछिए ही मत, वहाँ तो एक से एक कपटी, दुष्ट और बुरे लोग बसे हुए हैं, वह राहगीर बोला। ये सुनकर बुद्ध कहने लगे, इस गांव में भी तुम्हें बिल्कुल उसी तरह के लोग मिलेंगे, यहाँ भी कपटी, दुष्ट और बुरे लोग हैं। यह सुनते ही वह राहगीर आगे चल दिया। कुछ समय बाद एक दूसरा राहगीर वहां से गुजरा। उसने भी बुद्ध से वही प्रश्न पूछा। उसने कहा, मुझे किसी भी नई जगह जाना है, क्या आप बता सकते हैं इस गांव में किस तरह के लोग रहते हैं? जहाँ तुम अभी निवास करते हो वहाँ किस प्रकार के लोग रहते हैं? बुद्ध ने उस राहगीर से भी वही प्रश्न पूछा। हे बुद्ध, वहाँ तो बड़े सभ्य, सुलझे और अच्छे लोग रहते हैं, वह राहगीर बोला। तुम्हें बिल्कुल उसी प्रकार के लोग यहाँ भी मिलेंगे, सभ्य, सुलझे और अच्छे। बुद्ध ने अपनी बातें पूर्ण की और अपने दैनिक कार्यों में लग गए, पर उनके शिष्य ये सब देख रहे थे। उस राहगीर के जाने के पश्चात एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, आपने उन दोनों राहगीरों को एक ही स्थान के बारे में अलग अलग बातें बताई, आपने उनसे यह झूठ क्यों बोला बुद्ध? बुद्ध अपने स्वाभाविक मुस्कुराहट के साथ कहने लगे, प्रिय भिक्षु, आमतौर पर हम चीजों को वैसे नहीं देखते जैसे वे होते हैं, बल्कि उन्हें हम ऐसे देखते हैं जैसे हम खुद होते हैं। हर जगह हर प्रकार के लोग रहते हैं, परंतु यह हम पर निर्भर करता है कि हम किस तरह के लोगों को देखना चाहते हैं। अक्सर इंसान दूसरों को उन्हीं नजरिए से देखता है जैसा वो खुद होता है। उस पहले वाले राहगीर को सभी गांववासी कपटी, दुष्ट और बुरे लग रहे थे, क्योंकि वो खुद अंदर से कपटी, दुष्ट और बुरी सोच वाला इंसान था, जबकि दूसरे राहगीर को सभी लोग सभ्य, सुलझे और अच्छे विचारों वाले लगे, क्योंकि वह खुद सभ्य, सुलझे और अच्छे विचारों वाला इंसान था। बुद्ध कहते हैं, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, हमें हमारे आसपास की चीजें वैसे ही दिखती हैं जैसे हम होते हैं, तो हमें बाहरी चीजों को नहीं बल्कि खुद के नजरियों को बदलने की जरूरत है। बुद्ध के भिक्षुओं ने उन्हें धन्यवाद कहा और आगे से उन्होंने जीवन में सिर्फ अच्छाइयों पर ही ध्यान केंद्रित करने का निश्चय किया।